हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सबको इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। इंट्रो क्या है, जो हर यूट्यूबर अपने वीडियो के पहले में यूज़ करता है उसको इंट्रो कहते हैं। तो इसके वीडियो में मैं आप सबको कुछ इस तरीके का इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। अच्छा जी, तो आपने देख लिया, मतलब ये इंट्रो जो कि कितनी अमेजिंग लग रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखे और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ इसी तरह से इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने प्ले स्टोर ओपन किया हुआ है और ऊपर सर्च बार में मैंने सर्च कर दिया इंट्रो वीडियो मेकर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो सेकंड नंबर पे ऐप मिलेगा, ये छोटा सा ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर दें, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर दें, ठीक है। बस ये थोड़ा ही टाइम लेगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आप सबको जो कि थोड़ा ही वेट कर देना है, ठीक है। तो आपके सामने जो कि बहुत सारे इंट्रोज सामने आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2D यानी 2D और 3D भी है। और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे, अगर ये जो नो इंटरनेट कनेक्शन है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी जो इंट्रो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक न्यू इंट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें से एक को सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट वन, जो कि आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन पे मिलेगा, ठीक है, यानी आपको वीडियो कौन सी क्वालिटी में चाहिए, हाईएस्ट क्वालिटी में चाहिए या लो क्वालिटी में आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मैनेज कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको साउंड चाहिए, जैसे कि वीडियो के पहले में आपको मिला था, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ानी है या घटानी है तो वो सब आप कर सकते हैं। मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के सामने, जो लोगों का ये जो सिंबल है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो भी कुछ काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये प्लस जो सिंबल है, आप इस पर क्लिक करके लोगो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी गैलरी से एक फ़ोटो जो कि है ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, यानी आपको कौन सा वाला चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो कि है, मैं डन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जो के है, यहाँ टेक्स्ट में जो के है, मैं अपने चैनल का नाम देता हूँ, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप इंट्रो बना रहे हो उसका नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे भी, यानी जो सब टाइटल है उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल डाल देता हूँ। और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करके मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये थोड़ा ही टाइम लेगा, ठीक है। और जैसे ही ये थोड़ा टाइम लगा, तो उसके बाद हमारी इंट्रो एकदम से तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं वो जो लोगो है, वो आप देखेंगे कि किस तरह से, मतलब आ रही है, एक बूंद की शक्ल में आ रही है। और उसके नीचे जो कि मैक सर्विसेज और टेक्निकल भी आ रहा है। इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यह एक्सपोर्ट पर आपको, यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्वालिटी भी मैनेज कर सकते हैं कि आपको कौन सी क्वालिटी। तो मैं नॉर्मल में ही इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा ही टाइम लेगा। उसके बाद मैं फिर आप सबको अपनी गैलरी में ले जाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे हमने एक इंटरेस्टिंग सी और एक बढ़िया सी इंट्रो तैयार कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो वो जो इंट्रो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं आप सबको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कितनी एक अच्छी सी बेहतरीन सी इंट्रो बन गई है। यानी बहुत ज़्यादा यूट्यूबरों को ये प्रॉब्लम आती है कि उसको इंट्रो, जो नई यूट्यूबर है उसको इंट्रो बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट्स आप सबको मिलती रहे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।